एक बजकर 33 मिनट February 7th। मैं दो वीडियोस इस दौरान में बना चुका हूँ। जब मैं मिसागा से चला था तो अब मैं वापसी की तरफ हूँ मिसागा के लिए, और इसमें अगर कोई काम की चीज़ हुई तो लोड कर दूंगा, नहीं तो आया मैं 4 टन लेके था, या नहीं अंदर से आया था, सॉरी स्टील लेके आया था। और मैं अभी भी स्टील पे हूँ, मैं अब यहाँ से लेफ्ट बनाऊँगा। डिक्सी है ये मेजर है इनकी, डिक्सी है ना स्टील, जिसके राइट साइड पे गुरुद्वारा है एज आई सेड अर्लियर, और दाएं बाएं जितने भी बिजनेसेस हैं मोस्टली साउथ एशियंस के हैं या मोस्टली इंडियंस के हैं, और ये सारी जो पीछे कोने में राइट साइड पे जो लॉट नज़र आ रहा है ये गालिबन गुरुद्वारे का है या नहीं है, या इन्होंने ले लिया होगा, क्योंकि दैट्स अ बिग प्लेस। और अभी जब मैं लेफ्ट बनाऊंगा यहाँ पर तो आपको क्या नाम है, राइट साइड पे भी सारा इंडस्ट्रियल एरिया ही है, हो सकता है यहाँ से ये लेफ्ट साइड पे फौरन ही जहाज जो है ना लैंड करता है। सारा रनवे का इलाका है, पियर्सन एयरपोर्ट की बैक कह लें आप, तो जहाज आ रहा है कितनी आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, तो मोस्टली यहाँ पर लैंडिंग होती है, लोग यहाँ पर खड़े होकर मूवीज बना रहे होते हैं। जो ओपन फील्ड आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है तो यहाँ पर खड़े होकर लोग मूवीज़ बना रहे होते हैं। तो आज हो सकता है हवा का रुख किस तरफ का है, क्योंकि मोस्टली लैंडिंग्स जो हैं डिफरेंट वे से होती हैं, जो मैं समझता हूँ आपके नज़र आ रहे होंगे ये आवाज़ें जो है ये कदम है लेफ्ट साइड, ये जो राइट साइड पर ये पोल से नज़र आ रहा है ब्लिंक कर रही है, तो ये एक लैंडिंग पाथ है जिस पर आती है, गुजर चुके हैं वहाँ से। ये पूरा ओपन फील्ड लेफ्ट साइड पूरा पेड़ से लेकर जो जालियाँ आपको काले रंग की नज़र आ रही है, और ये हम मिडवे को क्रॉस कर रहे हैं, इसके राइट साइड पे सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये प्रिंसेस ऑटोज हैं, ऑफिस फर्नीचर की दुकान है। ये कोटी पार्क का है, आपने देखा होगा एक चीज़ उड़ के गिर रही थी, ये गाड़ियों के ऊपर जो इससे शीशे टूट जाते हैं, अभी मैंने भी देखा था मेरी गाड़ी से भी पीछे गिरा था, बहुत पतली सी एक लेयर जो जमी हुई है वेदर के साथ साथ, वेदर जब थोड़ा सा माइल्ड होता है और हवा का प्रेशर पड़ता है तो जो छत के ऊपर जो आइस जमी होती है या इनके ऊपर ये ट्रकों के ऊपर होता है, कौन साफ करेगा ट्रक के ऊपर चढ़ के आइस को, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस सम टाइम। अभी एक ट्रक से गिरी थी बर्फ़ इस तरह करके, और वो जाके कनाडा पोस्ट का एक ट्रक था उसके विंडशील्ड को तोड़ती हुई अंदर घुस गई थी, वो ऊपर समझ से ये 4 पॉइंट शेरेटन है, बाय शेरेटन 4 स्टार मेरा ख्याल ये होगा, 3 स्टार तो मस्ट है, लेकिन अच्छा होटल है, वेरी गुड होटल, प्राइस वाइज भी तगड़ा। यहाँ से सारी होटल की चेन्स शुरू हो जाती हैं टू सम एक्सटेंट, और मैंने कुछ वीडियोस में पहले मेंशन किया था, मिसागा इज सच अ बिग वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल कमर्शियल सर्विस इंडस्ट्री सिटी है कि यहाँ पर सिर्फ वेस्ट एंड GTA, वैसे तो टोरंटो में मस्ट बी ओवर 200 होटल्स और मे बी 300 होटल्स एंड मोटल्स होंगे, लेकिन सिर्फ वेस्ट एंड GTA के अंदर अब तक की जो मेरी फिगर्स हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा रेस्टोरेंट लाइन से वास्ता है तो हम लोगों की डिलीवरियाँ होती थी, पियर्सन अलोन पे आपको मिल जाएंगे I would say over 30 hotels and motels. ये लेफ्ट साइड पे बेस्ट वेस्टर्न है प्लस, तो मैं बता रहा था कि मिसागा अलोन में इस वक्त होंगे वेस्ट एंड GTA जो कहलाता है 86 होटल्स एंड मोटल्स, उसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं और बहुत बड़े भी हैं। तो किसी भी शहर के अंदर अगर आपको होटल्स एंड मोटल्स बहुत ज़्यादा मिलें तो डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ना कुछ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो
इतने ज़्यादा होटल और मज़ीद बन रहे हैं, और ये सारे जो थ्री स्टार लेवल के होटल होते हैं मोस्टली जो है कॉर्पोरेट होटल्स भी हैं। कॉर्पोरेट होटल से मुराद ये उनके जो क्लाइंट्स, वैसे तो आई डोंट नो कि वो फ्रेंचाइज हैं या कॉर्पोरेट हैं ओन बाय कॉर्पोरेशंस, लेकिन इनके जो मोस्ट क्लाइंट्स होते हैं वो कॉर्पोरेशंस होती हैं, बड़ी कॉर्पोरेशंस या ट्रक इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब ज़्यादातर जो यहाँ पर आगे एक होटल आएगा वो कम्फर्ट इनके नाम से, ये लेफ्ट साइड पर बेस्ट वेस्टर्न प्लस है, तो इस पे भी काफ़ी ट्रक ड्राइवर्स ठहरते हैं। तो ये ट्रक ड्राइवर्स वो होते हैं जो ये देख रहे हैं यहाँ का कितना बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप और ट्रकिंग का है, कि आपको ये राइट साइड में जितना भी मैंने गाड़ी चलाई है और आपने देखा होगा जगह जगह आपको ट्रकों के हब नज़र आएंगे, ये राइट साइड पे भी ट्रक का हब है, या इनका पार्किंग होगा या इनकी डिस्पैचिंग का सिस्टम होगा। कर लो यार, क्यों हार मार रहे हो, क्या फायदा। एनी हाउ, तो अब नाउ आई एम अप्रोचिंग टूवर्ड्स, या मेरी वीडियो आ रहा है, बट नाउ आई एम अप्रोचिंग टूवर्ड्स हाईवे 401, वेरी वेरी मेजर आर्टरी, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया है, runs east and west to the Windsor border and all the way to Montreal, I believe, और हर वक्त बम्पर टू बम्पर। तो यहाँ जो मोस्ट, जब मैं होटलों की बात कर रहा था, यहाँ जो ज़्यादातर होटल हैं उनका एयरपोर्ट से ताल्लुक है, जो क्लोज है बिल्कुल, तो यहाँ से एयरपोर्ट हार्डली 7 मिनट्स की ड्राइव होगी, जैसे मैंने कहा है हाईवे से अगर जाते हैं अंदर अंदर जाएंगे तो 10 मिनट लगेंगे बहुत से बहुत, जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पर इस वक्त। तो आपको यहाँ से होटल नज़र आ रहे होंगे कि राइट साइड पे आपको हॉलिडे इन, क्वालिटी इन और वो जो है अल्लाह आपका भला करे, या डबल ट्री बाय हिल्टन है शायद ये भी, जो किसी ज़माने में ये डेल्टा होता था, अब वो डबल ट्री बन गया है, डेल्टा से पहले क्या था ये कहनी आप। तो यहाँ राइट साइड पे जो है ना, आपको मैंने अभी बताया था, इस तरह ये एरोवुड के ऊपर जाते हैं, ऊपर एम्बलर ड्राइव है, ये कम्फर्ट इन लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ये ट्रकिंग के लिए मशहूर है लेफ्ट साइड पे। अभी ये मैथिसन को मैं क्रॉस करूँगा, लेट मी मेक द राइट, चार नंबरिंग ड्रॉप हो रही है, तो ये ले। अच्छा, ये सैंडमैन है जो किसी ज़माने में स्टेज वेस्ट होता था मैथिसन के ऊपर, अच्छा होटल है, पूरी फुल रेनोवेशन हुई, किसी ज़माने में बड़ा थकेला सा था लेकिन अब इसकी फुल रेनोवेशन हुई है। लेफ्ट साइड पे शायद आपको कंफर्ट इनका साइन नज़र आया है। तो ये सारे का सारा जो है ना होटल्स एंड होटल्स का हब है इस एरिया के अंदर। फिर होटल मिलेंगे आपको एग्लिंटन के ऊपर लाइन से हैं, जो शुरू होते हैं लेफ्ट साइड पे रेजिडेंस इन, कोर्टयार्ड मैरियट, फिर वहाँ से आगे जाएंगे होमवुड मिलेगा, वो भी शायद हिल्टन वालों की है या मैरियट की है, होमवुड के साथ है कोर्टयार्ड मैरियट, नहीं हैम्पटन इन, हैम्पटन इन है, और साथ ही आपको होमवुड मिलेगा, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सैंडलवुड मिलेगा आपको, सैंडलवुड होटल नहीं उसके फ़ौरन लगा हुआ बेस्ट वेस्टर्न है एक, जिस ये लेफ्ट साइड पे था, फिर वो सैंडलवुड का है, और फिर रेनफोर्ड पे आप लेफ्ट बनाएंगे तो एयरपोर्ट का इलाका दोबारा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं जितनी भी हैं, तो इनमें लोग आके ठहरते हैं, और आई वाज सरप्राइज्ड कि इन ये जो राइट एंड लेफ्ट किस्म की जो ये इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ पर, हो सकता है कि आपके एयरपोर्ट पे जो मशीन, यहाँ पर राइट साइड पे एक फैक्ट्री है जिसके अंदर बनती हैं, आपके एयरपोर्ट के ऊपर जो स्कैनर लगे हुए हैं बड़े बड़े, या आजकल पाकिस्तान में तो अब जलसा भी हो रहा होता है तो उसमें भी स्कैनर लगा होता है जो आपके मेटल डिटेक्टर होता है, वहाँ यहाँ पर मैथिसन के ऊपर एक इनका इंडस्ट्रियल जॉइंट कह लें, जहाँ पर वो स्कैनर्स वहाँ पर बनते हैं, और ये देखें आप ट्रक वगैरह, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, आप तो डॉलर जो है उसकी प्राइस कुछ और हो गई है, काफ़ी हद तक बिजनेस जो है वापस यूएसए चला गया है, लेकिन इनकी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की जो पूरी ट्रेड है, इनका बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर जो है वो यूएसए है, इसीलिए यहाँ पर ट्रकिंग इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रेफ्ट आगे जाके मैं दिखाता हूँ, राइट एंड लेफ्ट ये सारे बड़े बड़े जो नई चेनें बनी हैं, ये आपका अल्लाह भला करे फूड की, एक किस्म की फूड स्ट्रीट बन गई है,
بامیان, اور اس کے ساتھ وہ پورا پلازا جو ہے وہ ایک سے ایک پاکستانی جو ہے نا, موسٹلی یہاں پر اس علاقے میں جو بزنس ہے ان کے پاکستانی ریسٹورنٹس ہیں اور یا حلال ریلیٹڈ جو ہے, یہ جس طرح قندھار کباب ہے اس کے ساتھ باربیکیو نائٹس, تقریباً 100 آدمیوں تک کی آپ کی وہ کیٹرنگ ہو سکتی ہے اگر آپ کوئی پارٹی کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ڈی اسپارٹ ہے, اور لیٹ می شو یو ونس آئی گو دیئر آئی ول شو یو. سوئس چیلے ہے, اور میں یہاں سے دکھانا شروع کرتا ہوں اس طرح اس کے اندر کیا کیا ہے. باسٹن پیزا, پپائز, نینڈوز, چپولے, اور یہ سارا جو رائٹ سائڈ پہ پلازا تھا یہ کمپلیٹ ویری مچ جو ہے فوڈ ریلیٹڈ ہے. اور پھر اس کے اندر بھی یہاں پر شیری محل ہے, لاہور والے جانتے ہیں شیری محل کیا چیز ہے, شاید پانچ یا چھ لوکیشنز ان کی یا تین لوکیشن, آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ اٹ, وہاں پر ہیں اللہ بھلا کرے آپ کا لاہور میں تو ان کی برانچ ہے یہاں پر. یہ ذوک ریسٹورنٹس ہے, یہ بھی پاکستانی ہے. پھر ایک اور بھی ہے اس کے یہاں بینکٹ ہال بھی ہے, میبل بینکٹ ہال ہے, اس میں چھوٹی موٹی پارٹیز وغیرہ چھوٹے بڑے فنکشنز اور اس کے علاوہ شادی بیاہ تو جو ہوتا ہی ہوتا ہے. اب میں یہ گلنٹن پہ ہوں اس وقت, گوئنگ ٹورڈس ہوم. رائٹ سائڈ پہ ایک لینے لگ گئی ہیں, بہت عرصے سے یہ ایم ٹی پلیس تھی, اب یہاں کچھ بننے والا ہے. یہاں لیفٹ سائڈ پہ کار ڈیلرز وغیرہ ہیں, ایکٹیو گرین راس یہ جو رائٹ سائڈ پہ یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی پرانا ہے. تو فوکس اس کے بعد آگے تو ہے صرف نیبرہڈ شروع ہو جائے گا, تو میں اس کو بند کرتا ہوں. تو اس میں اگر مجھے ڈھنگ کی کوئی چیز نظر آئی اور آواز کا ایشو نہیں ہوا, کیونکہ ریسنٹلی جو ہے مجھے خود بھی بڑا ہی انوئنگ رہا ہے جو میری وائس کوالٹی ہے, میرے سوائے ایک دو کے زیادہ نے شکایت نہیں کی. آئی سلیوٹ ٹو دوز مائی ویورز, دے برداشت, دے بیئر مائی وائس کوالٹی, کیونکہ میں دیکھتا ہوں جو ویڈیوز ہوتی ہیں ڈفرینٹ بلاگرس کی, ان کی جو وائس کوالٹی ہوتی ہے اور میرے جو ویڈیوز ہیں ان کی وائس کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, زیرو ہوتی ہے میری. یہ سٹینفورڈ انٹرنیشنل کالج ہے, اس میں میں یہاں پر یہ پورے اس کونے کے اندر مجھے سینکڑوں کے حساب سے تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک ایک دفعہ میں 10-10, 20-20 موسٹلی فرام انڈیا ان کے بچے یہاں پر آتے ہیں, ان کو الاؤ ہوگا فورن اسٹوڈنٹس کو لینا. اور اب یہ جو انڈسٹری ہے اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور گورنمنٹ کو فورن ایکسچینج مل رہا ہے, ان لوگوں کو ویزا مل رہا ہے, تو اب یہ اس طرح کے انڈسٹریل یونٹس کے اندر بھی یہاں پر کالج کھلے ہوئے ہیں, جن میں وہ I-20 جو ہم امریکہ میں کہا کرتے تھے, مجھے یہاں نہیں پتا کیا کہلاتا ہے, لیٹر آف ایکسیپٹنس ہوگا یا جو بھی ہوگا داخلے کا. تو یہ آئی ڈونٹ نو کس طرح بانٹ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے بے تحاشا آ رہے ہیں, اور آئی فیل گڈ, نئی پنیری آ رہی ہے, ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کی سوشل سیکورٹی جو ہے انشور ہو رہی ہے. یہ ٹیکس بھریں گے تو ہم بڈھوں کا گزارا ہوگا نا, ورنہ ہم لوگوں کا گورنمنٹ کہاں سے کھلائے گی بٹھا کے, کیونکہ موسٹ آف دا یورپین اور پرٹیکولرلی امریکہ میں بھی اس وقت ایشو ہے کہ جو تیزی سے بڈھے جو ہیں بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں, اولڈ ایج کی طرف, تو ان کے بینیفٹس کو کیسے مینٹین کیا جائے گا, کیونکہ لائف بڑھ گئی ہے. اب موسٹلی ان کنٹریز کے اندر جو لائف ہے وہ 80+ یا 78+ ہے, اب 65 کے بعد سے اولڈ ایج بینیفٹس یہاں پر شروع ہو جاتے ہیں, اور ایوریج جو آپ کی پینشن ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اولڈ ایج بینیفٹس ہیں, میرے حساب سے 500 سے 1000 ڈالر یہ پر بڈھے کو دیتے ہیں, یہ منیمم جو ہے تاکہ ایٹ لیسٹ ان کی روٹی تو ملتی رہے نا اس کو, اور جو دوسرے بینیفٹس ہوتے ہیں وہ تو کمپنی ہے جس کو اس نے جمع کرایا ہے, جو ہم لوگوں کی جو کٹتی ہے ہر سال, یا جو ہم سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں جو کٹواتے ہیں اولڈ ایج کے لیے, اتنا ہی شاید امپلائر میچ کرتا ہے. تو چلیں, میں
भाई वीडियो को लंबी करता चला जा रहा हूँ। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड इन द सेंस के प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट्स पास करें, उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई भी आपको चीज़ नज़र आती है मिनिमम एक्सेप्ट हो रही है फिर तो सही है, लेकिन इफ़ इट इज़ समथिंग, और मेरी जो बात करता हूँ मैं इस तरह ही बात कर रहा था जैसे आप लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो उसमें मुंह से भी कुछ एक आध बात निकल जाती है तो मुझे माफ़ करें, या आई डोंट मीन, मेरी जो वीडियोस बनाने का यही होता है कि जनरल पब्लिक को जानकारी दी जाए ताकि मैक्सिमम उनको कनाडा के बारे में पता हो। अल्लाह की ज़मीन है, हर एक का हक है इसमें कोई, और ये ब्यूटीफुल कंट्री इस सेंस में है कि यहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस है एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अगर कहीं रेसिज्म टाइप की कोई चीज़ आए ऐसी यहाँ पर ज़ीरो रेसिज्म। देखें जनरल रेसिज्म जो है वो जिसे हमें उर्दू में असबियत कहते हैं वो आपको हर मुल्क हर गली हर मोहल्ला हर कंट्री में मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर ज़रा सा भी कुछ हो जाए तो वो हेट क्राइम की तरफ चला जाता है, और अच्छा खासा उस पर जो लॉज भी पास हुए हैं। दैट्स व्हाई आई सैल्यूट दिस कंट्री। एनी ऑफ फोक्स, मैं तो बोलता रहूँगा, गला खुश करता रहूँगा, आपको बोर करता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़ और दूसरे लोगों को भी इसको दिखाएं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।